भूतिया साइट। विक्रम अभी अभी इंजीनियरिंग कंप्लीट करके नौकरी की तलाश में होता है, तभी उसे एक जॉब का ऑफर आता है और उसे कॉल आता है। हेलो, एम आई टॉकिंग टू विक्रम? यस सर, मैं एक कंस्ट्रक्शन कंपनी से बोल रहा हूँ। हमें आपकी प्रोफाइल बहुत पसंद आई है, क्या आप हमारे साथ काम करना पसंद करेंगे? व्हाई नॉट सर, मैं तो इंतजार ही कर रहा था। श्योर सर। विक्रम तुरंत नौकरी के लिए हाँ कर देता है और अगले दिन ही केरल के लिए निकल जाता है। केरल पहुंचकर विक्रम जब कंपनी में जाता है। एक्सक्यूज मी सर, मे आई कम इन? ओह यस यस, प्लीज हैव अ सीट। विक्रम बैठ जाता है, फिर मैनेजर विक्रम को बताता है। देखिए, बात ऐसी है कि पुराने शमशान को हमारी कंपनी ने खरीद लिया है और वहाँ एक फैक्ट्री सेटअप करनी है। ये काम बहुत चैलेंजिंग है और आपके प्रोफाइल को पढ़कर पता चला कि आपको चैलेंजेस बहुत पसंद है, इसलिए आपको सिलेक्ट किया गया है। यू आर राइट सर, आई वांट चैलेंजेस। विक्रम साइट देखने निकल जाता है। वहां उसे पता चलता है कि उसे रात में भी वहीं रहना होगा। ओह, मेरे रहने का इंतजाम भी यहीं पर किया गया है। अच्छा है, कोई बात नहीं, मैं तो अकेला हूँ, कहीं भी रह सकता हूँ। विक्रम खा पी कर वहीं पूरे कब्रिस्तान में घूमता है। शाम होते ही उसे कुछ अजीब अजीब सा महसूस होने लगता है। वहां उसके साथ प्रमोद और कुछ लेबर भी रहते हैं। वो उनसे कहता है, यहां बहुत नेगेटिविटी लग रही है मुझे। अरे ओ भाई, ये कोई मामूली जगह थोड़ी है, शमशान घाट है भाई, शमशान घाट। पता नहीं ये कंपनी वालों को ऐसा क्या सूझा जो ऐसी जगह पसंद कर ली। अरे भाई, डरने का क्या इसमें है? इसमें डरने जैसी कोई बात नहीं है। जिस पे ऊपर वाले का हाथ हो उसके साथ कुछ नहीं हो सकता है। अरे मालूम होता है कि मजबूत दिल वाले हो तुम, हैं भाई? मुझे तो इस जगह से ही डर लगता है। पापी पेट के लिए ये सब करना पड़ता है और कुछ नहीं। प्रमोद और विक्रम एक ही कमरे में सोते हैं और चार पांच लेबर उनके ठीक बगल के कमरे में सोते हैं। ये नींद तो मुझे आ नहीं रही है, चलो जरा जाकर देखता हूँ कि यहाँ पर लोग इतना डरते क्यों हैं? ऐसा क्या है इस जगह में? विक्रम उठकर कमरे से बाहर निकलता है तो उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई देने लगती है। रोने की आवाज से उसका मन विचलित हो जाता है और बहुत ढूंढने पर भी उसे वहां कोई दिखाई नहीं देता। वो भागते हुए लेबरों के कमरे में जाता है। यहाँ पर सब कुछ सही है, सब सो रहे हैं, फिर ये किसके रोने की आवाज थी? विक्रम कमरे से बाहर आता है तब एक काली बिल्ली उसे घूरती रहती है और भाग कर एक पेड़ पर बैठ जाती है और म्याओ म्याओ करने लगती है। फिर विक्रम को उसी पेड़ पर एक औरत दिखाई देती है। बिल्ली उस औरत की गोद में जाकर बैठ जाती है। देखते ही देखते वो औरत गायब हो जाती है। विक्रम को कुछ समझ में नहीं आता। दिन के 4 बज जाते हैं और विक्रम सो जाता है। अगले दिन वो ये सारी बातें प्रमोद को बताता है। अरे भाई, अरे मैं नहीं रहूंगा यहाँ, अरे नहीं तो मुझे हार्ट अटैक आ जाएगा भैया। अरे यार, मैं हूं ना तेरे साथ, तू अकेला नहीं है। अगले सुबह विक्रम अपने काम में जुट जाता है। फिर प्रमोद को पता चलता है कि निखिल, जो कि एक लेबर है, उसकी मौत हो गई है। वो विक्रम को तुरंत ये खबर देता है। अरे नहीं नहीं विक्रम भैया, पुराने लोग सही कहते हैं, अरे ऐसी जगहों से दूर ही रहना चाहिए। निखिल की मौत हो गई ना, किसी को भी नहीं पता चला वो कैसे मरा। बाकी मजदूरों का कहना है कि यहाँ रूहें घूमती रहती हैं। लेबर लोग बोल रहे थे कि वो लोग यहाँ से चले जाएंगे। जिसको जाना है वो जाए, मैं इन सब में विश्वास नहीं करता हूँ। मैं इस प्रोजेक्ट को पूरा करके ही यहाँ से जाऊंगा। सभी लेबर प्रमोद और विक्रम के साथ निखिल की बॉडी का दाह संस्कार करते हैं। अंतिम संस्कार पूरा होते ही उसी शाम सभी लेबर विक्रम के पास आकर कहते हैं, अब देखिए साहब, ऐसे जोखिम में हम यहाँ पर नहीं रह सकते हैं। कल का सूरज निकलते ही हम सब अपने अपने गाँव चले जाएंगे। हाँ, रात को निखिल की मौत से विक्रम को बेचैनी हो जाती है। उसे लगता है मानो कोई उसे आवाज दे रहा हो। वो कमरे से बाहर निकलता है, फिर उसे महसूस होता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। थोड़ी देर चलते हुए उसे ये एहसास हो जाता है कि कोई आत्मा उसके पीछे है। फिर वो उसी जगह पहुंच जाता है जहां उसने निखिल की लाश को आग लगाई थी। थोड़ी ही देर में बहुत सारी आत्माएं उसे घेर कर खड़ी हो जाती हैं। विक्रम अपनी जान बचाने के लिए कमरे की ओर भागता है और पसीने से भर जाता है, फिर बेहोश हो जाता है। अगली सुबह प्रमोद उसे इस हालत में देखकर पूछता है, अरे ओ भाई,
अरे तुम फर्श पर क्या कर रहे हो वहां पर? यार यार मुझे माफ कर दे, तुम लोग सच ही कह रहे हो, आत्माएं होती हैं, हमें कुछ करना होगा, किसी भी तरह हम दोनों को यहां से निकलना होगा, वरना सभी लेबर आज चले जाएंगे और हम दोनों यहां पर अकेले रह जाएंगे। सर पर ये लेबर नहीं जा रहे हैं, उन्होंने अपना फैसला बदल दिया है। जब मैं नहीं डर रहा तब आप कैसे डर सकते हैं? अरे ऐसी बात नहीं है प्रमोद भाई, तुम मेरी बात समझ ही नहीं रहे हो। कल रात जो हुआ तुम सोच नहीं सकते हो, मैंने किस तरह से खुद को बचाया है। विक्रम सारी बातें प्रमोद को बता देता है। प्रमोद की रूह कांप उठती है। अरे सर मैं तो कहता हूँ कि जिसको यहाँ पर रहना है रहने दो, हम चलते हैं यहाँ से, चलो अभी निकल चलते हैं। विक्रम और प्रमोद अपना सामान बांध कर निकलने लगते हैं, लेकिन लेबर उन्हें घेर लेते हैं और जाने नहीं देते। साहब आप लोग नहीं जा सकते हैं। अरे भैया हम तो जा रहे हैं, जिन्हें मरना है वो मरे यहाँ पर। हम तो कब के मर चुके हैं साहब, अब क्या मरेंगे, मरने की बारी अब तुम लोगों की है। इतना कहते ही सारे लेबर भूत प्रेत में बदल जाते हैं। अरे अरे मेरे लेबर कहाँ गए? इन लोगों को हमने कल ही मार दिया था, ये जगह हमारी है, तुम इस जगह को हमसे छीन नहीं सकते हो। भूत प्रेत विक्रम और प्रमोद को घेर कुत्ते की तरह उनकी बोटियां नोचने के लिए उतावले रहते हैं। सब मिलकर प्रमोद के ऊपर चढ़ जाते हैं। प्रमोद चीखता चिल्लाता है लेकिन विक्रम कुछ नहीं कर पाता। अरे मुझे छोड़ दो भाई, अरे मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, अरे उनका क्या होगा, अरे छोड़ दो भाई मुझे। भूत मिलकर उसे मार देते हैं और विक्रम ये देखकर मन में सोचता है, मरना तो है ही, क्यों ना डरने की बजाय खुद को बचाने की कोशिश कर लूं। विक्रम एक सांस में भागता हुआ अपने कमरे में जाता है और शिवलिंग को अपने हाथ में लेकर बाहर आता है। शिवलिंग को देखकर पीछे हट जाते हैं। जय महाकाल, अब तुम लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हो, भूत प्रेत के राजा मेरे साथ हैं, जय महाकाल। विक्रम स्मशान से बाहर निकलकर भाग जाता है और सीधा मैनेजर के पास जाकर उसे सब कुछ बता देता है। सारी बातें सुनकर कंपनी वाले उस जगह को छोड़ देते हैं, जो वापस एक श्मशान की तरह काम आने लगती है।